हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हमें बात करने वाले हैं चेन्नई के पिच रिपोर्ट के बारे में। चेन्नई में 4 मैचेज हो चुका है और 4 मैचेज में आपने देखा होगा कि 2 मैचेज जो है वो 200 से ऊपर रन बना है, एक में तो 200 ही बना था। और 2 मैचों में जो बना, एक में जो आप देखोगे तो 140 के नीचे रन रहा और एक में देखोगे तो 170 के ऊपर रन रहा। और चारों मैचों में आप देखोगे ना तो चारों मैचों में आपको चार तरीके का सीनरी जो है दिखाई देगा। जो कि पहला मैच था, स्पिनर थोड़ा सा इम्पैक्टफुल जरूर हुआ था लेकिन रन जो है वो 200 से ऊपर बना था। दूसरा मैच था 175 के आसपास जो रन बना था और उसमें हमने देखा कि स्पिनर जो है वो ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। जो तीसरा मैच है उसमें देखा कि जो सनराइज हैदराबाद था 134 के शायद जो है वो आसपास रन बना पाया था, जो कि आगे हमने देख लेते हैं कितना बनाया था, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा पर 134 या 35 के आसपास जो है वो रन बनाया था और वहाँ पर भी स्पिनर ने जो है काफ़ी अच्छा बेनिफिट जो है हुए थे। और उसके बाद से हमने देखा कि जो अभी लास्ट में जो मैच हुआ था वहाँ पर चेन्नई जो है वो 200 रन बनाया और 201 बना के जो है पंजाब ने उसे चेस कर लिया। तब ऐसे सीनरी में जब देखोगे तो देखो पहले जो है मैचेस क्या हो रहा था, यहाँ पर हाई स्कोरिंग था, फिर धीरे धीरे नीचे आया और उसके बाद से एक तरफ का पिरामिड बन रहा था उल्टा वाला, ऐसा बना फिर ऐसा बना फिर जो है आप देखोगे ऐसा बना और फिर जो है उसके बाद से जो है वो फिर ऐसा चला गया। तो अब ऐसे सीनरी में देखो तो आपको क्या सीनरी जो है देखने को मिलेगा कि अभी सीनरी में तो देखो चेन्नई में जो मैचेस हो रहा है ना, ट्रेडिशनली आप देखोगे तो इस तरीके का जो है पिच देखने को मिल रहा है जहाँ पे बैटिंग करना मुश्किल है लेकिन एक जो बाउंस है ना, बाउंस एकदम से कम नहीं हो रहा है वहाँ पे, बाउंस धीरे धीरे कम हो रहा है जिसके चलते आप देखोगे तो यहाँ पे रन जो है ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहा है। यानी कि पीछे स्लो तो हो रही है लेकिन बाकी पीछे से कंपेयर में थोड़ी सी कम हो रहा है चेन्नई में स्लो। तो इसका सिर्फ ये नहीं है कि चेन्नई में जो है पीछे स्लो हो नहीं सकती है, चेन्नई में जो है वो ट्रेडिशनली पीछे स्लो होती है, अभी के लिए जो है वो इतना स्लो नहीं हो रही जैसे कि आप लखनऊ में देखे होंगे या बाकी जगह देखा होगा, जितना स्लो वहाँ पर देखने मिल रही उतना स्लो जो है नहीं देखने मिल रही। और वैसे भी हर ग्राउंड पर कम से कम 6-8 पीचेज होती है जो कि यूजफुल होता है बाकी सारे मैचेस कराने के लिए। तो अगर अलग अलग डिफरेंट पिच पे होता है तो मैचेज आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से मैचेज हो सकता है, पिछले जो 4 मैचेज उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं और क्या सीनियर रहना है उसको डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो जरूरी काम है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और अभी तक जो है आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लेना। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते कि विनर सेशन एंट्री में बहुत ही ऐसा प्रॉफिट उठा सको, जो कि बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, ऑलमोस्ट जो है वो 50 मैच जो है होने वाला है और बहुत सारे लोग जो है उस पहले मैच से ही उठा रहे हैं। तो आप भी अगर नहीं उठा पा रहे तो यहाँ जो है व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, साथ में टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो कॉर्डिंग सर्च करके और टीम स्क्वाडिंग पर जुड़ सकते हो जहाँ पे आपको रिलेटेड से सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के बारे में, तो अब देखो ग्राउंड जो है ट्रेडिशनली मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके की जो है यहाँ पर मैचेज अभी हो रहा है। और इस मैचों के दौरान हम भी देखें कि जो टॉप ऑर्डर है ना बैट्समैन का, टॉप ऑर्डर काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म कर रहा है। जिसके टॉप ऑर्डर नहीं भी चल रहे हैं तब मिडिल ऑर्डर जो है वहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर एक बार टॉप ऑर्डर चल जा रहा है तो ज़्यादातर चांसेस है कि सारे बैट्समैन जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे चलते हुए। और साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे जो है पिचेस स्लो होते जाता है वैसे वैसे स्पिनर जो है थोड़ा बहुत गेम में आना शुरू हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक एवरेज जो इम्पैक्ट है वो बॉलर के हिसाब से, यानी कि जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो बॉलर का रहेगा, यहाँ पे जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो आपको बैट्समैन की तरफ से देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को जो है आपको कैटलाइज करके चलना है कि बेस्ट चीज़ें बैट्समैन के तौर पे दिखाई दे रहा है अभी, तो जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही हम चलेंगे। और जो अभी के लिए एवरेज चीज़ें हैं, एवरेज चीज़ें जो है आपको बॉलर में दिखाई दे रहा है, बॉलर में भी देखोगे जो फास्ट बॉलर है उनका जो है बिलो एवरेज है और जो एवरेज है वो स्पिन बॉलर्स का अभी के लिए जो है वेटेज है। हालांकि लास्ट मैच में स्पिनर को थोड़ा सा मार पड़ी थी और फास्ट बॉलर जो है थोड़ा सा इम्पैक्टफुल जरूर रहे थे। अब जो है पिछले मैचेज हम लोग देखते हैं इनके पहले, लेकिन सबसे बात करते हैं बैट्समैन जो है वो इम्पैक्टफुल तो रहेगा, तो बैट्समैन कौन से पिक करना है। तो देखो भैया जो टॉप ऑर्डर है उसको आप पिक कर लो, टॉप ऑर्डर यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है और उसके बाद से जो है धीरे धीरे जो है जैसे जैसे टॉप ऑर्डर खत्म होता जाएगा तो जो इम्पैक्ट होगा उसके पिक करें। इम्पैक्ट को मतलब इम्पैक्ट प्लेयर नहीं, इम्पैक्ट का इन द फॉर्म की जो ऐसा हिम्मत रखता है कि कुछ बॉल खेल के जो है एक अच्छा खासा रन बना सकता है। जैसे यहाँ पर देखो मुंबई का मैसेज है तो मुंबई का और चेन्नई का मैसेज होगा, तो चेन्नई में लास्ट में इम्पैक्ट कौन डाल सकता है, जडेजा, इसी अलावा जो है धोनी। और अगर मुंबई तरफ से देखोगे तो लास्ट इम्पैक्ट कौन डाल सकता है, तो टीम डेविड। तो ये जो है ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर जो कि यहाँ पे यूजफुल हो सकते हैं, तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब प्रीवियस मैसेज देखते हैं कि किसी का जो है मैसेज हुआ है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसा टीम हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो लास्ट मैच हुआ था चेन्नई 200 बनाया और पंजाब जो यहाँ पर 201 बनाकर जो है वो जीत गया। अब देखो फास्ट बॉलर ने जो है 6 विकेट लिया था, स्पिनर को यहाँ पर 2 विकेट मिला था। और अगर ऐसा विकेट रहता है जहाँ पे दोनों इनिंग मिलकर 10 विकेट गिरा रहा है, इसका मतलब मान लेना कि यहाँ पे जो है बॉलिंग पिच था ही नहीं है। 10 विकेट से अगर ज़्यादा गिरता है तो मान के चलते हो कि हाँ यहाँ पे बॉलिंग विकेट जो है वो रहा होगा। अब देखोगे तो आपको देखने लगे यहाँ पे पंजाब की तरफ से अर्शदीप को 1 मिला था, चहर को 1 मिला था, खरम को 1 मिला था, राजा को 1 मिला था। तो जो फास्ट बॉलर हैं इनको 1-1 जो है वो मिला था, जो स्पिन है इनको भी 1-1 जो है मिला था।
चेन्नई की तरफ से जडेजा को 2 मिला था, पथराना को 1 मिला था, तुषार देशपांडे को जो है 3 मिला था। तो यहाँ पे जो इनके फास्ट बॉलर थे थोड़े से ज़्यादा इंपैक्टफुल हुए एज कम्पेयर टू जो स्पिन बॉलर था वो। तो इनका टॉप ऑर्डर भी देखने को मिलेगा, टॉप ऑर्डर जो है पंजाब का ज़्यादा चला नहीं था। देखिए आप यहाँ पे देखोगे तो देखोगे तो आपको देखने लगेगा कि जो यहाँ पे सीएसके की तरफ से बात करें, डीवी गनबो का जो है एक अच्छा रन था, गायकवाड का अच्छा रन था, और इसके अलावा जो है आप देखोगे तो यहाँ पे शिवम दुबे का अच्छा रन था। और यही अगर हम लोग बात करते हैं पंजाब तरफ से, परसिमरन सिंह के 42 था, इसके अलावा जो है लियाम निशन का 40 था, सैम करन को जो है 29 था, शिखर धवन का जो है 28 था, और अब देखो तो यहाँ पे जितेंद्र शर्मा को जो है 21 रन था। तो ये सीनियर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इससे पहले की मैसेज बात करते हैं जो कि काफ़ी ख़राब मैसेज वहाँ पे हुआ था, 134 रन जो है वो बनाया था यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद ने, और चेन्नई जो है यहाँ पे 138 बना के जो है वो मैसेज जीत गया। इसके अलावा बात करते हैं तो आप देखो फास्ट बॉलर को सिर्फ 2 मिला था, और स्पिनर को जो है वो 6 विकेट मिला था, जहाँ पे जडेजा को 1 था, इसी तरह से थिंगसाना को 1 था, और दूसरे तरफ से मयंक मार्कंडे को जो है 1 विकेट मिला था। और यही अगर फास्ट बॉलर की बात करें तो पथिराना को मिला था, और आकाश सिंह को जो है 1-1 विकेट मिला था यहाँ पर। अब इसमें रन भी देखोगे तो रन में जो है 138 में जो है वो क्या ही रन बनेगा। तो आप उसी सीरीज में देखो तो आपको देखने लगेगा कि जो यहाँ पे हैदराबाद की तरफ से बात करते हैं, तो हैदराबाद तरफ सब देखो तो यहाँ पे अभिषेक शर्मा को जो है एक अच्छा रन जो है वो देखने को मिला था यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो आप देखोगे त्रिपाठी का जो है 21 रन था। और यही चेन्नई की तरफ से बात करते हैं, डिवेक कॉन्वे का जो है काफ़ी अच्छा फॉर्म देखने को मिला यहाँ पे। और यही हम लोग बात करते हैं गायकवाड का भी जो है काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे सीन हुआ था। और ये दो ही जो है बल्लेबाज काफ़ी थे इतना रन जो है वो चेस करने के लिए, जिस तरह का ये इनका फॉर्म चल रहा है। और इससे पहले मैसेज देखोगे तो वहाँ पर राजस्थान जो है 175 रन बनाया था, और उसे हालांकि डिफेंड कर लिया था 3 रन से। और देखोगे तो 5 पे जो है वो विकेट स्पिनर फास्ट बॉलर को मिला था, और उसके अलावा जो है 8 विकेट जो है आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो स्पिन बॉलर को मिला था, जिसमें जडेजा को जो है वो 2 था, इसके अलावा जो है मोइन अली को 1 था, रविचंद्र अश्विन को 1 था, चहल को जो है रविचंद्र अश्विन को 2 था, चहल को भी जो है 2 था, इसके अलावा जंपा को भी जो है 1 विकेट मिला था। और फास्ट बॉलर में देखोगे तो फास्ट बॉलर में आपको तुषार देशपांडे को 2 मिला था, आकाश सिंह को 2 मिला था, और इसके अलावा जो है आपको संदीप शर्मा को जो है वो 2 मिला था। तो ये सीनरी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि विकेट का जो है वो सीनरी था। बैटिंग में देखोगे तो बैटिंग में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दोनों टीमों की तरफ से अगर बात करते हैं, राजस्थान की तरफ से बटलर का जो है वो 52 रन था, पेटिकल का जो है वो आपको 38 था, हेडमेयर का जो है वो 30 था, और इसके अलावा आकाश सिंह का जो है 30 था। चेन्नई की तरफ से डीवे कॉन्वे का जो है आप देखोगे तो यहाँ पर दिन में 50 रन था, अजय किराने का जो है 31 था, दमेश धानी का जो है 32 रन था, और इसके अलावा जो आप देखोगे यहाँ पे जडेजा का जो है 25 रन था। तो ये सीनरी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके पहले का मैसेज अगर बात करते हैं, जो कि यहाँ पे पहला मैच हुआ था, तो पहले मैच में देखा कि सीएसके जो यहाँ पे 227 रन जो है बनाया, और लखनऊ से सीएसके करते हुए 205 रन जो है बनाया। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे फास्ट बॉलर को जो है 6 विकेट मिला था, स्पिनर को जो है 7 विकेट मिला था। और यही अगर मैं बात कर लेते हैं यहाँ पे तो आवेश खान को जो है वो 1 मिला था, इसके अलावा देखोगे यहाँ पे तो आपको देखने मिलेगा कि मार्कुट को 3 मिला था, और रवि बिश्नोई को भी जो है वो 3 विकेट जो है यहाँ पर मिला था। चेन्नई की तरफ से तुषार देशपांडे को जो है वो 2 मिला था, और उस समय मोइन अली को जो है वो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा विकेट मिला था, 4 विकेट जो मिला था, सैपनर को भी जो है वो 1 विकेट मिला था। तो इस वजह से आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा चेन्नई में जब मैच हुआ था पहला मैच, जहाँ पर चेन्नई जो है मैच जीता था। और बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में आप देखोगे जो इनके जो टॉप ऑर्डर था उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो आपको देखने को मिला था यहाँ पे। लखनऊ की तरफ से जो इनका टॉप ऑर्डर था वो भी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, हालांकि जो मिडिल ऑर्डर था वो भी जो एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया था, लेकिन मैचेस जो है ये नहीं जीत पाए। तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अभी के लिए। तो ये जो था कि पिछले 4 मैच जो आपको देखने को मिलेगा। अब इन 4 मैच अगर हम लोग बात करते हैं किस तरीके के जो है मैसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, सबसे पहले देखो इन मैचेज में हमने यही देखा कि जो मैसेज हो रहे हैं अगर 200 रन बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है तो 200 रन बन सकता है, और वैसे सीनरी में जो टॉप ऑर्डर है उन्हें अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम लोग टॉप ऑर्डर को जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे रख के जो है वो चलेंगे कि टॉप ऑर्डर यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। इसके अलावा जो मिडिल ऑर्डर है वो भी जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस जो दे सकता है तब जब टॉप ऑर्डर जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। उसके लिए जब हम लोग अलग क्रिया ले लेंगे कि टॉप ऑर्डर को जो है थोड़ा बहुत जो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, उसके लिए सबसे बॉलिंग जो है मैनेज कर लेना। और साथ में अगर बॉलर की बात करें तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं जहाँ पे जो फास्ट बॉलर है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाले हैं, और कुछ मैसेज ऐसे भी हैं जहाँ पे स्पिनर जो है ज़्यादा इंपैक्ट डाला है। तो अब हमें क्या करना है, चीज़ों को जो है बैलेंस कर लेना है, और दिन का पीछे तो हम लोग स्पिनर पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे एज़ कम्पेयर टू जो है फास्ट बॉलर। अगर अभी तक जो है मुझे नहीं जुड़े हो विनर सेशन एंट्री के लिए, तो ये व्हाट्सएप पर नंबर है जहाँ पर आप जुड़ सकते हो, साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो कॉल फ्री से सर्च करके, और टीम पर आप स्क्वाडिंग एयर में जुड़ सकते हो जहाँ पर आप क्वेश्चन रिटर्न से सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो होप से वीडियो से आपको इंटरेस्टिंग लगा हुआ, मिलता है आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।